अच्छा, तो अभी हम क्या करेंगे जो है ना, ड्रग्स को जो है ना नंबर वाइज जो है ना करते जा रहे हैं, ठीक है। नंबर वन पर हमारे पास क्या, एपिनेफ्रिन। अब देखें, एपिनेफ्रिन जो है ना ज़्यादातर वर्क करता है आपके पास कहाँ पर, बीटा रिसेप्टर्स पर एज़ कम्पेयर टू द अल्फ़ा। अल्फ़ा पर कम करता है लेकिन इतना नहीं। अच्छा, अब देखिए, लेट सपोज मैं एपिनेफ्रिन के जो है ना लो डोजेस दे रहा हूँ, लो डोजेस पर जो है ना सिर्फ एक्टिवेट करेगा बीटा को। बीटा को जब भी एक्टिवेट करेगा तो बीटा आपके पास क्या करते हैं, वेजो डायलेशन करते हैं, पर्टिकुलरली बीटा टू, ठीक है। एंड देन अगर मैं इसकी हाई डोज दे रहा हूँ तो हाई डोज आपके पास किसको एक्टिवेट करेंगे, अल्फ़ा को। अल्फ़ा क्या करते हैं, वेजो कंस्ट्रक्शन, पर्टिकुलरली अल्फ़ा वन, ठीक है। हाई डोज एंड लो डोज इसको याद करना, ठीक है। ये जो है ना किस पर इफेक्ट करते हैं, हाई डोज पर एंड लो डोज पर। अच्छा, एपिनेफ्रिन आपके पास जो है ना 80% ऑफ एपिनेफ्रिन आपके पास आता है फ्रॉम दी एड्रीनल मेड्यूला। कहाँ से, एड्रीनल मेड्यूला से। लेट सपोज दिस इज योर एड्रीनल ग्लैंड, ये क्या एड्रीनल कॉर्टेक्स है, ये क्या एड्रीनल मेड्यूला है। 80% ऑफ द एपिनेफ्रिन इज़ फ्रॉम एड्रीनल मेड्यूला एंड 20% इज़ फ्रॉम दी जो आपके पास जो मेम वो होते हैं आपके पास क्या, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स होते हैं, वहाँ से आता है, ठीक है। अच्छा, तो एपिनेफ्रिन के जो है ना हम एक्शंस देख लेते हैं, इसके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर जो है ना एक्शंस आपके पास पता है क्या होते हैं। अब देखिए, जब ये अल्फ़ा पर जो है ना, सॉरी, जब ये बीटा वन पर एक्ट करेगा यहाँ पर, क्या बीटा वन पर, तो बीटा वन क्या करवाएगा, यहाँ से कंट्रैक्शन को बहुत बढ़ाएगा, क्या कंट्रैक्शन को बढ़ाएगा। जब कंट्रैक्शन बढ़ी तो हार्ट रेट बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ा तो कार्डिक आउटपुट अल्टीमेटली बढ़ जाएगा, क्या कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड कार्डिक आउटपुट बढ़ गया तो जो मायोकार्डियम, मायोकार्डियम है क्या, मायोकार्डियम, तो मायोकार्डियम पता है उसकी जो ऑक्सीजन डिमांड है, क्या ऑक्सीजन डिमांड वो आपके पास क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्या ऑक्सीजन डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। एंड ये जो पूरे के पूरे इफेक्ट हैं ये आपके पास क्या करते हैं, सिस्टोलिक बीपी, सिस्टोलिक बीपी को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, क्या सिस्टोलिक बीपी को बढ़ा देते हैं ये चीज़ें। अच्छा, अगर ये वेसल्स पर जाकर काम करता है, कहाँ पर, वेसल्स पर, और वेसल्स पर जो है ना बीटा टू होते हैं, जब ये बीटा टू को, अच्छा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बीटा टू, ये बीटा वन, ये बीटा वन पर एक्ट कर रहा था यहाँ पर हार्ट पर। अब जब बीटा टू, सॉरी, यहाँ पर क्या होगा, अल्फ़ा वन होगा, क्या अल्फ़ा वन, जब ये अल्फ़ा वन पर एक्ट करेगा ये आपके पास जो है ना, जो है ना आपके पास स्केलेटल मसल की जो है ना वो वेसल नहीं है, आपके पास क्या है, स्केलेटल मसल्स की वेसल नहीं है, आपके पास क्या है, नॉर्मल बॉडी की वेसल है, मतलब स्केलेटल, स्केलेटल मसल्स के अलावा, ठीक है। तो वहाँ पर जो है ना अल्फ़ा पर जो है ना जब ये एक्ट करेगा तो वहाँ पर क्या होगी, आपके पास जो है ना वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, वहाँ पर क्या होगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, ठीक है, ठीक है, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी। वेसल, स्केलेटल मसल पर जो होती है उस पर बीटा टू होते हैं, जब बीटा टू पर एक्ट करेगा तो यहाँ पर क्या होगी, वेजो डायलेशन होगी, बिकॉज बीटा टू इज़ इनहिबिटरी। जब बीटा टू बीटा टू जो है ना आपके पास एक्टिव हो जाएंगे तो वेजो डायलेशन होगी, जब वेजो डायलेशन होगी तो आपके पास जो है ना क्या हो जाएगा, डिक्रीज डायास्टोलिक बीपी, क्या हो जाएगा, वेसल जब स्केलेटल मसल्स की आपके पास क्या हो गई, वेजो डायलेट हो गई, तो आपके पास जो है ना क्या हो जाएगा, सिस्टम जो है ना, बस इतना याद कर लेना, मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा कि जो है ना इसमें वेजो डायलेशन होती है, बस ये याद कर लेना, ठीक है। अच्छा, तो ये भी हमारे पास हो गया, ये डायस्टोलिक बीपी को कम करता है ऐसा, ठीक है। अच्छा, बुक में जो है ना आपके पास दो टर्म्स दी हुई हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, ये जो है ना आपके पास बीटा वन कहाँ थे, किडनी पर भी थे ना, तो यहाँ से क्या होगा, रेनिन होगा, रेनिन रिलीज होगा, रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिन टू को बढ़ा देगा, एंजियोटेंसिन टू क्या करेगा, वेजो कंस्ट्रक्शन करेगा, वेजो कंस्ट्रक्शन करेगा, ठीक है। इससे भी जो है ना आपका बीपी राइज होता है, इससे भी आपका बीपी राइज होता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर करना चाह रहा था, वो आपके पास होता है एक आइनोट्रोपिक, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक होता है क्या, आइनोट्रोपिक जो है ना, आगे आपने जो है ना बस यही यही यूज़ होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एंड नेगेटिव नेगेटिव एंड क्रोनोट्रोपिक वगैरह, ठीक है। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक का मतलब होता है इंक्रीज कंट्रैक्टिलिटी, क्या इंक्रीज कंट्रैक्टिलिटी, पता नहीं स्पेलिंग क्या मैंने वो लिख दी है, आई थिंक गलत है। उसके बाद एक आता है आपके पास क्या, पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक, क्या क्रोनो
ट्रॉपिक। अब देखिए क्रोनोट्रॉपिक, यार स्पेलिंग पता नहीं क्यों मैं गलत रख रहा हूँ, सॉरी। अब देखिए पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक का मतलब होता है क्या, इंक्रीज इन हार्ट रेट। क्या इंक्रीज हार्ट रेट व्हिच विल इवेंचुअली लीड्स टू इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, ठीक है, बिकॉज कार्डियक आउटपुट का वो होता है ना फार्मूला, हार्ट रेट इनटू द स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है, आई थिंक ऐसा ही होता है, होप कि ऐसा ही हो, ठीक है। तो जब पॉजिटिव आइनोट्रोपिक बोला जाए तो आपने अपने क्या माइंड में लाना है कि यहाँ पर कंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, अगर नेगेटिव हो तो कंट्रैक्शन बिल्कुल लो हो रही है। अगर पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक यूज़ हो रहा हो तो आपने आपने क्या माइंड में लाना है कि यहाँ पर हार्ट रेट बिल्कुल बढ़ा हुआ है एंड कार्डिक आउटपुट उसकी वजह से बढ़ेगा, अगर नेगेटिव हो तो इसको उल्टा कर दे, ठीक है। ये आपके पास क्या थे, इसके एपिनेफ्रिन के एक्शन थे। उसके बाद जो है ना इसका लंग्स पर इफेक्ट होता है आपके पास क्या, ब्रोंको डायलेशन। क्या ब्रोंको डायलेशन, बिकॉज लंग्स पर आपके पास क्या, आपके पास क्या होते हैं, बीटा टू रिसेप्टर्स होते हैं ना, क्या बीटा टू, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ब्रोंको डायलेशन करवाएगा, ठीक है। अच्छा समटाइम्स ना ये हम दे रहे होते हैं बिकॉज ये एपिनेफ्रिन ना इस मास्ट सेल को इनहिबिट कर रहा होता है, किसको, मास्ट सेल को इनहिबिट करेगा, तो मास्ट सेल क्या रिलीज करता है, हिस्टामिन्स। हिस्टामिन्स आपके पास क्या, हिस्टामिन्स आपके पास क्या करवाएंगे, एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह करवाते हैं ना, ठीक है। तो ये हम ना एनाफाइलेक्टिक शॉक में भी ना दे रहे होते हैं एपिनेफ्रिन, ठीक है। अच्छा जी, तो ये इसको भी इनहिबिट करेगा। एंड इंसुलिन आपके पास क्या, इमरजेंसी हार्मोन है, तो ये इंसुलिन के सिंथेसिस को डिक्रीज करेगा एंड ग्लूकोगन को इंक्रीज करेगा। ग्लूकोगन जब इंक्रीज होगा तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगी, जब इंसुलिन कम हो गई तो आपके पास जो है ना जो ग्लूकोज है ज़्यादा देर तक ब्लड में रहेगा और वो एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा, ठीक है, बिकॉज ग्लूकोगन आपके पास ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवा रहा है एंड ब्लड ग्लूकोज यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। एंड देन ये क्या करवाएगा, लिपोलाइसिस करवाएगा एंड उससे भी जो ना आपके पास जो एनर्जी की मिलती है आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्री फैटी एसिड्स आपके पास जो है ना ब्लड में बढ़ जाएंगे लिपोलाइसिस से और आपके पास जो है ना एनर्जी मिलती रहेगी आपको वहाँ से भी, ठीक है। तो आपने इमरजेंसी में ये आपको चाहिए होता है, ठीक है। अच्छा इसके यूजेस क्या हैं, यूजेस हैं इसके क्या, COPD बिकॉज यहाँ पर ब्रोंको डायलेशन करवा रहा है एंड एनाफाइलेक्सिस यहाँ पर ये इसको इनहिबिट कर रहा है मास्ट सेल को, बिकॉज हिस्टामिन क्या करवाते हैं, एनाफाइलेक्टिक शॉक करवाते हैं, ठीक है, उसको हम जो है ना डिस्कस करेंगे बाद में। एंड अस्थमा में यूज़ करते हैं बिकॉज यहाँ पर ब्रोंको डायलेशन करवा रहा है एंड कार्डियोजेनिक शॉक में जो है ना इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड अक्यूट हार्ट फेल्यूर, किस में, अक्यूट हार्ट फेल्यूर में। एंड नेवर फॉरगेट योर हाइपोटेंशन, क्या हाइपोटेंशन, बिकॉज ये यहाँ पर क्या कर रहा है, बीपी को बढ़ा रहा है ना, सिस्टोलिक बीपी को एंड डायस्टोलिक को कम कर रहा है, लेकिन इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं आपके पास, हेडेक है, ट्रेमर से, टैकीकार्डिया, पल्मोनरी एडिमा एंड हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया तो आपको समझ में आ गया होगा, टैकीकार्डिया भी आपको समझ में आ गया होगा एंड आपके पास जो है ना ट्रेमर्स करवाता है बिकॉज अगर ये बहुत ज़्यादा रिलीज होगा तो कंट्रक्शन वगैरह बहुत ज़्यादा होगी एंड हेडेक आपके पास ये करवाता है, इसका कोई सॉलिड रीज़न मेरे पास अभी है नहीं तो आपने इसको याद करना है। एंड पल्मोनरी एडिमा, इसका भी सॉलिड जो है ना आपके पास रीज़न है नहीं अभी तक, ठीक है। तो ये भी हमारे पास हो गया नॉरएपिनेफ्रिन। उसके बाद ना हम आते हैं, वो एपिनेफ्रिन था, अभी हम आते हैं कहाँ पर, नॉरएपिनेफ्रिन पर। अब देखिए नॉरएपिनेफ्रिन पता है क्या करता है, अब देखिए नॉरएपिनेफ्रिन जो है ना आपके पास बहुत ज़्यादा अल्फ़ा पर बाइंड करता है, बीटा पर कम बाइंड करता है। ये क्या था, एपिनेफ्रिन अल्फ़ा पर, बीटा पर बहुत ज़्यादा बाइंड कर रहा था, अल्फ़ा पर कम कर रहा था। अब देखिए अल्फ़ा पर जब ये बहुत ज़्यादा बाइंड करेगा तो अल्फ़ा क्या करेगा, सिस्टोलिक बीपी को बढ़ाएगा एंड डायास्टोलिक को भी बढ़ाएगा, डायास्टोलिक को। अब देखिए डायास्टोलिक को कैसे बढ़ाएगा, बिकॉज ये बीटा को बहुत ही कम एक्टिवेट कर रहा है, बिकॉज अगर बीटा एक्टिवेट नहीं हो रहे तो आपके पास क्या होगा, डायस्टोलिक, मतलब क्या, जो वेसल्स हैं आपके पास स्केलेटल मसल्स की वेसल वो रिलैक्स नहीं होगी ना, क्योंकि बिकॉज वो बीटा को कम ही एक्टिवेट कर रहा है ना। अगर अल्फ़ा ज़्यादा देर तक एक्टिवेट होगा तो अल्फ़ा का जो है ना आपके पास वो क्या होता है, एक्शन क्या होता है आपके पास अल्फ़ा वन का, पर्टिकुलरली
कंट्रैक्शन वगैरह होता है ना, ठीक है। तो बीटा बीटा अल्फ़ा टू की जो है ना हम इतनी बात नहीं कर रहे इसमें, जो है ना मेजर हम अल्फ़ा वन की कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, लेट सपोज आपके पास बीपी बहुत बड़ा हुआ है, क्या बीपी बहुत बड़ा हुआ है। अब देखिए, जब बीपी बहुत बड़ा हुआ होगा तो यहाँ पर जो है ना कैरोटिड साइनस, कैरोटिड आर्ट्स में जो है ना कैरोटिड साइनस होते हैं ये, क्या सॉरी कैरोटिड बॉडीज़ होती हैं, सॉरी यार एरोटिक बॉडीज़ होती हैं ये, क्या ये क्या आर्चा फ्योटा, आर्चा फ्योटा में क्या होती हैं एओर्टिक बॉडीज़ होती हैं जो कि प्रेशर को सेंस कर रही हैं। ये प्रेशर हाई प्रेशर है, ये इसको सेंस करेंगी, ये जो है ना इसको सिग्नल लेके जाएंगी आपके पास ब्रेन में, ब्रेन से जो है ना आपके पास वेगल की फायरिंग होगी, क्या वेगस फायरिंग होगी, ये क्या आपके पास वेगस नर्व है। जब वेगस नर्व की फायरिंग होगी तो आपके पास हर्ट क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। जब हार्ट इनहिबिट हो गई तो आपके पास हार्ट रेट बिल्कुल कम हो जाएगा, हार्ट रेट कम हो गया तो डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट विच विल लीड्स इवेंचुअली इन टू द ब्रेडी कार्डिया, एंड इस ब्रेडी कार्डिया को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स। ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्स ब्रेडी कार्डिया, इसको हम क्या बोलते हैं रिफ्लेक्स ब्रेडी कार्डिया। ये इसका क्या है साइड इफेक्ट है, किसका, नॉरएपिनेफ्रिन का। अच्छा जी, तो ये भी हमारे पास हो गया। एंड थेरापेटिक यूजेस इसके क्या हैं, सेप्टिक शॉक में इसको यूज़ करते हैं, किसमें सेप्टिक शॉक में, किसमें सेप्टिक शॉक में, एंड हाइपोटेंशन, किसमें हाइपोटेंशन में भी इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम ये नाम आईवी सॉरी ये जो नॉरएपिनेफ्रिन है, लेट सपोज ये क्या आपके पास स्किन है। अब देखिए, लेट सपोज मैंने जो है ना ये आईवी दे रहा हूँ मैं, तो हुआ क्या कि जो है ना नॉरएपिनेफ्रिन आपके पास जो है ना वेजो कंस्ट्रक्शन, वेजो कंस्ट्रक्टर है, क्या पोटेंट वेजो कंस्ट्रक्टर, क्या वेजो कंस्ट्रक्टर, ये तो आपको पता होगा जो है ना, ये बेसिक सी बातें हैं, ये जो है ना आप खुद ही कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर पता है क्या होता है, जब इसको हम नीडल इंसर्ट कर रहे होते हैं तो लेट सपोज थोड़ा सा जो है ना आपके पास क्या हो गया, थोड़ी सी जो है ना आपके पास जो है ना वो नीडल से जो है ना आपके पास वो जो मेडिसिन है आपके पास नॉरएपिनेफ्रिन की, वो आपके पास क्या हो गई, वहाँ स्पिन स्किन पर जो है ना आपके पास क्या होगी, लग गई, लेट सपोज लग गई। तो जब ये यहाँ पर लग जाएगी तो यहाँ पर जो है ना आपके पास क्या होगी, नेक्रोसिस हो जाएगी, क्या नेक्रोसिस होगी, क्या होगी यहाँ पर नेक्रोसिस काज करवाएगा, यहाँ पर क्या करेगा, क्या करवाएगा, ये नेक्रोसिस काज करवाएगा। अगर लेट सपोज यहाँ पर ये मैंने वेसल में दिया है, लेट सपोज यहाँ पर ये कोई भी क्या है वेसल है, लेट सपोज ये क्या है नॉरएपिनेफ्रिन है, ये यहाँ से जो है ना निकल रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, इसमें से निकल कर टिश्यूज़ में आ गया, तो टिश्यूज़ में भी ये क्या करवाएगा, नेक्रोसिस करवाएगा, ये क्या करवाएगा यहाँ पर नेक्रोसिस करवाएगा, ठीक है। तो जो है ना इसको जो है ना जब दे रहे होते हैं तो हम जो है ना बहुत ही मतलब जो है ना प्रिकॉशंस के थ्रू जो है ना दे रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना इसमें जो है ना स्किन जो है ना वो आपके पास स्लग ऑफ भी हो जाती है, ठीक है। एंड ये जो है ना आप पेरिफेरल वेंस में नहीं देते, ये क्या पेरिफेरल वेंस में नहीं देते, ठीक है। अच्छा, ये भी हमारे पास हो गया, ये इसके क्या थे एडवर्स इफेक्ट थे, ये इसके एडवर्स इफेक्ट थे, ठीक है। नेक्रोसिस करवाता है इस तरीके से, एंड ब्रेड रिफ्लेक्स ब्रेडी गाड़िया कभी नहीं बोलना, कभी नहीं बोलना। इसके यूजेस सेप्टिक शॉक एंड हाइपोटेंशन।